आईपीएल 2019 के 41वें मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर जादुई स्टंप किया। 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने डेविड वार्नर को इस तरह स्टंप किया कि वार्नर को यकीन ही नहीं हुआ। कुछ देर तक तो डेविड वार्नर अपने पैर को ही देखते रहे। इधर महेंद्र सिंह धोनी डेविड वार्नर को स्टंप करने के बाद हरभजन सिंह की ओर चले गए, क्योंकि उनको पूरा यकीन था कि वार्नर आउट हैं। वार्नर कुछ देर तो वहाँ खड़े रहे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के कॉन्फिडेंट को देखकर वार्नर पवेलियन की ओर चल पड़े। आपको बता दें कि इस मैच में हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 175 रन बनाए थे। हैदराबाद की तरफ से डेविड वार्नर ने एक बार फिर शानदार पारी खेलते हुए 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 57 रन बनाए, तो वहीं बहुत समय बाद मनीष पांडे ने वापसी करते हुए 7 चौके और 3 छक्कों की मदद से शानदार 83 रन बनाए और हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने जीत के लिए 176 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरे चेन्नई सुपर किंग्स ने जबरदस्त अंदाज में इस मुकाबले को जीत लिया। चेन्नई की तरफ से सुरेश रैना ने 24 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से शानदार 38 रन बनाए, तो वहीं शेन वॉटसन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। वॉटसन ने 53 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौके और 6 विस्फोटक छक्कों की मदद से 96 रन बनाए और चेन्नई सुपर किंग्स को जीत दिलाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। शेन वॉटसन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को इस मैच में धूल चटा दी। आपको महेंद्र सिंह धोनी का ये स्टंप और शेन वॉटसन की ताबड़तोड़ पारी कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ज़्यादा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।